भगवान का नाम लेके निकली हूँ मुझे दिमाग पीछे फेरा हुआ और बोल रहे हैं आगे। Hi guys, good morning and welcome back to the another vlog of my channel. तो आज क्या है फ्राइडे है यस आज क्या है फ्राइडे है वेडनेसडे आज वेडनेसडे है लग रहा था फ्राइडे ओह शिट मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि आज फ्राइडे है तो आज है वेडनेसडे 3 जून मतलब एंड आप सबको पता होगा अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो हवा चलना स्टार्ट हो गई है। हाँ तो आज मुंबई में साइक्लोन हिट करने वाला है और टाइम दिया गया है 2:30 से 3 बजे तक। तो कल रात में हम लोगों को शाम को ये न्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली पता चली थी और रात में हम लोगों ने मोबाइल बैटरी बैंक ये सब चीज़ें चार्ज करके ऑलरेडी रख लिया है मतलब फुली चार्ज है सबके मोबाइल और कोशिश करेंगे कि सब फुली चार्ज ही रहें और जब टाइम जो पीक टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं सोच रही हूँ कि बंद कर देंगे टीवी इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद करेंगे और विंडोज़ वगैरह हम बंद करके सोए थे क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना हम लोग जनरली लाइव डिटेक्टिंग कर रहे हैं। ये एक बताती हूँ मैं आपको किस तरह से ये एक वेबसाइट है उस पर हमको ये दिख रहा है ये देखिए ओरिजिनल मुझे ये पूरा पता चल रहा है कि ये जो साइक्लोन है ये मुंबई है और ये साइक्लोन है मतलब ये मुंबई में 2:30 बजे तक हिट करेगा। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है अभी ठीक है तो ये 2:30 बजे तक हिट करेगा और अभी इसकी स्पीड भी यहाँ पर लिखा हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है। तो ये आपको पूरे वर्ल्ड का पता चल जाता है कि कहाँ पर साइक्लोन्स आए हैं कहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखिए इस तरह से विंड आ रही है और ये ऐसा हिट करने वाला है और मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ यहाँ हम लोग देखते रहते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें। ये देखो ये अंटार्कटिका वाला एरिया यहाँ पर कितने साइक्लोन्स चल रहे हैं तो ऐसे आप कहीं का भी पूरे अर्थ के साइक्लोन्स जो हैं वो देख सकते हो इस पर। आपको प्लांटर्स दिख रहे हैं सब मैं अभी निकालने वाली हूँ ये प्लांटर हो गया है निकाल करके सब नीचे रख दूंगी क्योंकि जो लोगों को गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की तरफ से डूज एंड डोंट्स वो उन सबको हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। मैं पढ़ रही थी कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है तो जितनी भी हैंगिंग वाली चीज़ें हैं वो सब निकाल के नीचे रख दूंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्योंकि बंगाल में जब अभी साइक्लोन आया था तो वहाँ पर पीने के पानी का इशू हो गया था 3 से 4 दिन तक पानी नहीं मिला था लोगों को और बहुत गंदा पानी आ रहा था और इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गई थी तो इस तरह की इश्यूज हुए थे। तो हम लोगों ने पानी की बॉटल्स भी यहाँ पर ये पानी जग में रख के रखी हुई है पानी की बॉटल भर ली है तो वो सारी चीज़ें भी करके रख ली है। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना कल घर से बाहर निकलेंगे। एंड इमेजिन आज मेरे पास मैसेज आया है कि पार्सल का सामान मेरे लिए आउट ऑफ डिलीवरी हो रहा है। मैं वही सोच रही थी कि यार रेड अलर्ट है एटलीस्ट उन लोगों को भी ऐसे नहीं करना देना चाहिए था मतलब उन लोगों को भी घर पे रहने दो जो कोरियर बॉयज होते हैं नहीं सामान आना चाहिए आज किसी को भी घर से नहीं निकलना चाहिए जब इतना रेड अलर्ट हो चुका है। तो एंड आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कल मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मेरे से गलती से विक्की ने पूरा व्लॉग बनाया था मॉर्निंग टू पूरा उसका नाइट रूटीन का व्लॉग बनाया था और वो बाय मिस्टेक पूरा व्लॉग उड़ गया। कैसे उड़ गया उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। आज मैंने विक्की को बोला था कि अरे एक तो ये एप्पल लैपटॉप के इतने चोचले हैं कसम से इतने चोचले हैं कि मैं क्या बताऊँ मतलब विंडोज इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली और एप्पल में कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं खुद भी अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं पाती मुझे गूगल यूज़ करना पड़ता है ट्यूटोरियल देखना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ चक्कर में वो पूरी 32 GB की जो कार्ड में जिस में पूरा उसका डेटा कलेक्टेड था वो उड़ चुका है तो मुझे कल बहुत दुख हो रहा था। तो आज मैंने विक्की को बोला आज आप ब्लॉक करना तो अभी मैंने विक्की को बोला कि आप मेरे साथ हाफ ऑफ व्लॉग मतलब व्लॉग अब आप चालू करें तो विक्की बोला नहीं ऐसे नहीं करूंगा मैं व्लॉग स्टार्टिंग में वो खुद ही करेगा मतलब उसको ऐसे नहीं आना है अभी वो मेरे व्लॉग में नॉर्मली आता रहेगा। रुको मैं बताती हूँ करोगे आज व्लॉग क्यों क्यों नहीं करोगे तो मैं जान पूछ के थोड़ा यार हवा तेज हो गई है ये तेज हवा नहीं है बाल तक नहीं हिल रहे हैं तेज हवा पेड़ हिल रहे हैं और बाल तक नहीं जाओ बाहर जाके खड़े हो खुद भी उड़ जाओगे बाल तक नहीं हिल रहे पेड़ हिल रहे हैं बड़े बड़े। अरे मुझे बताओ आज ब्लॉग नहीं करोगे नहीं क्यों नहीं करोगे है? क्यों नहीं करोगे हाँ जानबूझ के ब्लॉग उड़ा है जानबूझ के ठीक अभी तक आप यूज कर रहे हो 2 साल
ये एरिया जो है वो पूरा खाली कर दिया है, यहाँ पर ऐसे नीचे प्लांट रख दिया है एक मैंने, बाकी यहाँ रखे हुए हैं और बाकी सब कुछ मैंने यहाँ रख दिया है। अभी मैं इसको निकालूंगी क्योंकि ये भी इसमें बल्ब लगा हुआ है एंड ये तो खैर अटके हुए हैं तो इनका कोई डर नहीं है, इनको भी निकाल दूंगी क्योंकि ये भी लटकते हैं तो वैसा। एक्चुअली अभी मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे पास ये कॉल कल भी आया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कल दिमाग से स्लिप हो गया क्योंकि कल मैं काम कर रही थी और मैंने विक्की को भी नहीं बताया कि आज कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अगर हम आज नहीं गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जस्ट हम निकले हैं, भगवान का नाम लेके निकले हैं, मुझे बाहर निकलने में लिटरली आज बहुत डर लग रहा था बट ठीक है, विक्की बोलता है वैसे भी टाइमिंग जो है वो 2:30 से 3 बजे है, अभी 11 बज रहे हैं, काफी लोग बाहर है अपने काम पे जो जाने वाले वो तो जा ही रहे हैं यार। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, और हालांकि हमारे घर के बहुत पास है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ना पोस्ट ऑफिस अपने घर से, तो वहीं पर ही है, तो अब हम वहीं पर निकल रहे हैं एंड फटाक से मैं ही जाऊं करके, वो मुझे साइन वाइन कुछ करना है, वो करना जरूरी है तो वो करके हम लोग आ जाएंगे। आपको यहाँ पे बाहर का सिनेरियो बताती हूँ कि कैसा है। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं और मैंने जैसे ही क्योंकि मैं ही अंदर गई थी तो कुछ चीज़ पे साइन भी करना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसके ऊपर मेरे को साइन करना ज़रूरी था वो भी था, तो मैंने साइन वगैरह कर लिए जो भी जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, और साथ में मेरे 2 पार्सल थे पेंडिंग थे जो कि वहाँ पर पड़े हुए थे और क्योंकि अभी कोरियर बॉयज है नहीं तो वो भी मुझे लेने के लिए जाना था। और मेरे पास जो 2 पार्सल आए थे 2 दिन पहले, एक तो मैंने ओपन कर लिया है और एक और मैंने अभी ओपन किया है, मतलब शार लेने से पहले मैंने उसको ओपन किया था। तो मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ऑल दो इसको यूज़ करने से पहले मैं अभी वॉश करने के लिए डालूंगी और मैंने पूरा सैनिटाइज वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा हैंडमेड कुशन कवर भेजा है, कुशन कवर पिलो कवर आप जो भी बोल सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल है ये, कैमरा इसको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है, और ये हैंडमेड कुशन कवर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मुझे ये भेजा हुआ है कोमल नंदा ने फ्रॉम जनकपुरी न्यू दिल्ली। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया हुआ है, और पीछे से इसका जो कलर है ये बहुत थिक मटेरियल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रैम्पेज है, तो मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एंड थैंक यू सो मच कोमल। विकी को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, बट हाँ इसको वॉश यूज़ करने से पहले मैं अभी इसको प्रॉपरली वॉश करूंगी एंड वॉश करने के बाद, मतलब मैं मशीन वॉश नहीं करूंगी, सिर्फ इसको पानी में डाल दूंगी, सर्फ के पानी में, डिटॉल के पानी में, और इसको वॉश करने के बाद ही हम लोग यूज़ करेंगे, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। तो आज हमारे इस पकौड़े को, आलू के पकौड़े को आलू के पकौड़े खाना है, क्यों लॉकडाउन में क्या हुआ है ये देखो, ये देखो लॉकडाउन में हम लोग के जो फ्रेंड्स वगैरह सब बातें करते हैं तो ऐसी मजाक करते हैं कि लॉकडाउन में जो फ्लोर है नीचे का फ्लोर बढ़ चुका है, मतलब तोन निकल चुकी है, तो विक्की की भी थोड़ी थोड़ी बाहर आ, क्या करे क्या करे, एक्सरसाइज करो। तो मेरा सामान क्यों फेंका था मैंने ना पूरा पूरा जिम का मेरा सामान फेंक दिया था मेरी बेबी ने, मैंने वापस मंगाया है, बात अलग है। मैंने वीडियो में होगा जब मैं डिक्लटरिंग कर रही थी तो विक्की के जो डंबल्स थे एक्चुअली वो बहुत हैवी और बहुत अच्छे डंबल्स थे जिसको हमने फेंका नहीं है, हमने जिम में दे दिया फ्री में, कोई जिम में नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने फेंक दिया था घर के बाहर रखाई थी जाकर, हाँ बाहर रख दिया था, कोई उठा के ले गया, तो मतलब कोई ले गया है, फेंका नहीं है मैंने, उसको फेंकना ही बोलते हैं, फेंकना नहीं बोलते, गेट के बाहर रख देते ना सामान, तो शायद आपको पता नहीं उसको फेंकना बोलते, सेट ऑर्डर कर दिया है जो कि अभी तक आया नहीं है। और हाँ, तो आज विक्की को पकौड़े खाने हैं, तो हमारा आज खाना यही होने वाला है क्योंकि हम लोग पकौड़े भी हैवी हो जाते हैं, मौसम अभी थोड़ा बेटर है, हमारे पास सबके कॉल्स आ रहे हैं, स्टे सेफ बी सेफ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंसर्न, हम लोग घर पे ही हैं, सेफ ही है, बस चिंता उन लोगों की है जो बेचारे रोड पे स्ट्रीट पे सोते हैं और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जिन लोगों के सर पे छत वैसी है उन लोगों के लिए, कोविड की वजह से वापस घर जा रहे थे, अगर वो अभी रास्ते में ही पहुंच रहे हैं और उन लोगों के साथ Exactly. इस मौसम में तो फिर वो दिक्कत वाला थी, बहुत दिक्कत वाला था, मैं भी दिक्कत थी, अभी फिलहाल धूप में एक बार इतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन इस तरह से जो आंधी चलेगी उसमें दिक्कत है, खुले में तो और पता चलता है, बीमार पड़ने के चांसेस इस मौसम में ज्यादा होते हैं। प्याज और आलू के पकौड़े बना रही हूँ मैं, और हम इसलिए भी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि 1:30 बजे जब यहाँ पर साइक्लोन हिट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो गैस वाली पाइप है हम लोगों के गैस, मेरे को काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपका गैस सिलेंडर कहाँ रखा है, वहाँ पर पाइपलाइन लगी हुई है
तो वो सब बंद हो जाएगा. तो अभी जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं, उसके बाद खाने को. ऑल्दो मेरे पास है स्टफिंग, मतलब खाने पीने का, बिस्किट्स और ये सब. ये इंसान तो बिस्किट खा के जिंदा रह लेता है. मेरी इच्छा है पकौड़े खाने की, तो मैं पकौड़े खा रहा हूँ. मुझे मेरा ऐसा है कि मुझे भूख भी बहुत तेज लगती है, जब लगती है तो मैं पागल हो जाती हूँ. लेकिन आप मुझे एक छोटा पैकेट, इतना बड़ा पैकेट भी बिस्किट का खिला दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी. और एक मैसेज जनहित में जारी सारे पतियों के लिए, जिनकी भी बीवियां ये मैसेज देख रही हैं या वीडियो देख रही हैं, देखो खाओ, अच्छे से खाओ, जी भर के खाओ, मन से खाओ, कोई टेंशन नहीं है पेट कम करने की फिलहाल, क्योंकि बीवी तो घर से बाहर निकल नहीं सकती. ये रेयन और कॉटन मिक्स होता है ना, कॉटन ब्लेंड एंड रेयन, तो ये बहुत पतला सा और लूज लूज सा है, इसलिए मैंने इसको आज घर पे निकाल लिया. क्योंकि मैं जो घर में पहने वाली टी शर्ट थी एक्चुअली जो मैं पहनती थी, उसको पहन पहन के मैं खुद भी बहुत बोर हो गई हूँ. तो इसलिए और बना दो के थोड़ा यू नो टिंट लगाया है मैंने लिप्स पे. और बस तो मैंने अभी जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो चार्ज पे लगा दी हैं. मैंने जो फोन्स हैं वो सारे चार्ज कर लिए हैं, अपना बैटरी बैंक चार्ज कर लिया है, पानी भर के रख लिया है. बैटरी बैंक तो बोला बैटरी बैंक ठीक है बैटरी बैंक. और जल्दी बोलने वाले लोगों का थोड़ा सा वर्ड जो है वो ऊपर नीचे खिसक जाते हैं. सो बैटरी बैंक समझने वाला समझता रहे, दिमाग तो समझ में आ गया था कि बैटरी बैंक है. उसमें टोकने की क्या जरूरत है कि बैटरी बैंक बैटरी बैंक ठीक है बैटरी बैंक ठीक है बैटरी बैंक बोलेंगे. ओके बैटरी बैंक गाइस ठीक है. जैसे हमने टिकटॉक का नाम रखा है वैसे बैटरी बैंक हो गया. खुश बैटरी बैंक भी वैसे चाइना में बनता है. अभी सब फेंकना नहीं है 90% वही बताया आपके जैसे लोगों को, इसके लिए ही मैंने वो वीडियो बनाया. क्या हुआ था कि विक्की और हमारे इस पॉइंट में चीजें थोड़े से डिफर करते हैं, मतलब और इसमें मेरी विक्की से भी बहस जाती है. मतलब इस टॉपिक को मैं किसी को नहीं छोड़ती. मेरे को देशद्रोही करार दिया गया था जबकि जानकारी मेरे से ही ली जा रही थी. ली नहीं जा रही थी एक्चुअली, जब मैंने वो वीडियो बना दिया था. मैं जनरली ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं फ्लो में ज्यादा चीजें बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है भाई उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड अलग डायरेक्शन में, मुझे लग रहा हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ, तो कोई थर्ड पर्सन सुनेगा तो वो अच्छे से बता पाएगा. विक्की को बात बताइए. अरे मेरे को लेट मी कम्प्लीट. तो दो मैंने विक्की को दो बार वीडियो बनाने से पहले ये बताया कि मुझे बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोल जा रही हूँ. नाउ यू कैन स्पीक. जब बोलते हैं तो जिस चीज को बोल रहे हैं उस दिशा में अपना स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि दिमाग पीछे फेरा हुआ और बोल रहे हैं आगे. ये मैंने कब बोला? मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में बोल रही थी? किस स्टेट ऑफ माइंड में? मतलब जो बोलने वाले लोग हो, मतलब मैं ज्यादा बोल जाती हूँ. अगर आपने मुझसे पूछा है कि आप किस कलर के कपड़े पहने हो तो मैं ऑरेंज नहीं बोलूंगी. मैं बोलूंगी ये ऑरेंज है, मैंने यहाँ से लिया है, इसका फैब्रिक क्या है, ये सब बता दूंगी मैं आपको, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दूंगी. तो उस तरह से बोलूंगी. लोगों ने प्यार का पंचनामा देखा है? प्यार का पंचनामा मूवी में एक कैरेक्टर है लिक्विड, ये हमारा वो कैरेक्टर है. ओह गॉड, खेलता ज्यादा है. किससे कंपेयर कर रहे हो यार? साइक्लोन है वो रत्नागिरी में हिट कर चुका है. मुंबई का भी जो कोलाबा वगैरह एरिया है वहाँ का दिखा रहा है. हम लोग थाने में रहते हैं तो अभी हमको इतने इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे बाहर, बट ये हिट कर चुका है ऑलमोस्ट मुंबई. डेढ़ बज रहा है क्योंकि. तो विक्की का भी असेसमेंट टेस्ट चल रहा है. तो स्कोर 100%, पासिंग स्कोर 80%, यू स्कोर 100% ऑन द असेसमेंट. इसी बात पे आपके दिन के वेदर माफ. तो अभी आई एम जस्ट चेकिंग द न्यूज़. हम लोग न्यूज़ पूरा कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अभी यहाँ पर तो 3:30 हो गया है, मतलब थाने में. और मेरे यहाँ पे अभी तक थैंकफुली लाइट नहीं गई है और ना ही पानी का कुछ प्रेशर बहुत तेज़ है, ना हवा बहुत तेज़ है, मतलब नॉर्मल है. और हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं तो हमको बहुत पता नहीं चल रहा है. अपडेट दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे चेक करते हैं. ये देखिए, ये प्रॉपरली
लैंड के ऊपर है, लैंड के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो भी हम लोगों को पता चल जाएगी। इसकी स्पीड बताओ, यहाँ पर नीचे लिखी हुई है 75 किलोमीटर और यहाँ पर 53 है, मतलब जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करते हो वहाँ पर वो स्पीड बताता है। तो मुंबई एग्जैक्टली में इसकी स्पीड अब कम हो गई है, मतलब थैंकफुली कि अभी ये कम होता जा रहा है, सबकी हाँ ख़त्म हो जाएगा, ये सबकी प्रेयर्स काफ़ी काम आ गई है, तो थैंकफुली ये ज़्यादा डेडली नहीं है। मतलब सिचुएशन काफी बेटर है, मतलब कंट्रोल में आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। और अभी मैं बैठी हूँ अपना DIY बनाने के लिए, तो यहाँ पर मेरा नीचे सब सामान रखा हुआ है। अभी शाम का अपडेट ये है कि मैं यहाँ पर DIY कर रही थी, कुछ कुछ दिख रहा है आपको, काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो वही मैं DIY कर रही थी। एंड अभी कुछ भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब शाम से बारिश बंद होगी मेरे एरिया में। आई डोंट नो, जो मेन मुंबई साइड है वहाँ पर शायद से बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि मेरी फ्रेंड से बात हुई है और सिचुएशन अभी काफ़ी कंट्रोल है थैंकफुली। और आज आप लोगों को पता ही होगा, आज बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ वायरल हुई है रिगार्डिंग केरला में जो हुआ है, एलिफेंट, प्रेगनेंट एलिफेंट को किस तरह से, मतलब एक तरह से मर्डर ही बोलूँगी मैं, किस तरह से मर्डर हुआ है उसका। ह्यूमन्स हैं जिसको भगवान ने बनाया है, जिसके ऊपर भगवान शायद सबसे ज़्यादा प्राउड करता होगा, बट अब वो सबसे ज़्यादा आई थिंक हेट करता होगा ह्यूमन से लिटरली। और वही सब चीज़ें हम अब भुगत रहे हैं 2020 में, सब कुछ जो एक साथ हो रही है वो आई थिंक, मतलब वो पोस्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। ह्यूमन्स के ही काले करतूतों का रिजल्ट आज हर तरफ इकोसिस्टम हिला हुआ है हमारा, हर चीज़ हिली हुई है, वो सब हम 2020 में भुगत रहे हैं। मतलब एक भगवान की तरफ से लाफा है 2020 अपन लोगों को, और अभी भी अगर हम लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर भगवान भरोसे आगे। आज हम लोग खाने में काले चने की भेल खा रहे हैं, मतलब काला चने में सारा वेजीज मिला करके। आई होप कि जितने भी लोग मुंबई में होंगे या अलीबाग में होंगे या आसपास होंगे, आप लोगों के यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हुआ हो इसका, और आप लोग सब सेफ हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे भी याद है कि जब मैं अलीबाग गई थी तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि है ना अलीबाग का, तो आप लोग सही है कि नहीं है अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि सब लोग ठीक हो। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अगर आपको पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। एंड इंस्टाग्राम पे इतने सारे DMs आए मेरे पास, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस कंसर्न, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। एंड या मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्टली कल, बाय।